सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड, आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या की गई है। बीकानेर के अंत्योदय नगर की घटना है, मौके पर पहुंची नया शहर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड किया है, आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या की गई। बीकानेर के अंत्योदय नगर की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें मौके पर फिलहाल नया शहर की पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की जांच में पुलिस जुटी है। तो एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या की है। आपको बता दें आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की गई है, अंत्योदय नगर की घटना बताई जा रही है, फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या की, आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या की गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता श्याम मारू। श्याम, क्या पूरा अपडेट है, 5 लोगों ने आत्महत्या की है आर्थिक तंगी के चलते? जी हाँ सौरभ, अभी जो प्राथमिक रूप से जो जानकारी जो मिल पाई है, ये कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का ही मामला है। हालांकि इस बारे में अभी तक पुलिस पूरी छानबीन में जुटी हुई है, और ये एक ही परिवार के जो 5 लोग है, जिनमें से 4 ने तो फांसी लगाई और एक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया है, और 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में से 2 लड़के और 1 लड़की है, और इनमें जो बच्चों की जो उम्र है वो 14 से लगभग 16 साल तक है। एसपी जो तेजस्वी गौतम वहाँ भी मौके पर मौजूद है, मुक्ता प्रसाद पुलिस की जो थाने की जो पूरी पुलिस वहाँ पर मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ जो फॉरेंसिक जो लैब के जो कर्मचारी है वो भी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर वहाँ से जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता, हालांकि फौरी तौर पर जरूर ये आशंका जताई गई है कि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का मामला है जिसके कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या की है, लेकिन पूरा जो खुलासा वो पूरी संपूर्ण जांच के बाद हो पाए। जैसे कि तेजस्वी गौतम ने हमें ये बताया कि वे जल्द ही इसका शीघ्र खुलासा कर देंगे कि मुख्य मूल कारण क्या रहा। इसके अलावा वहां पर जो 5 लोगों ने आत्महत्या की उसके पूरे पूरे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।